जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए सेना प्रमुख की कमान अब संभाल लिया। साउथ ब्लॉक के प्रांगण में आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने भाई समेत परिवार के बड़े सदस्यों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सहनशीलता, विनम्रता और बड़ों के लिए सम्मान, विशाल व्यक्तित्व की ये चंद वो खूबियां हैं जो किसी भी व्यक्ति को और बड़ा बनाती हैं। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के प्रांगण में आज कुछ ऐसा ही नजर आया जब सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए सेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद अपने भाई और रिश्तेदारों के पैर छुए। नए सेना प्रमुख की बड़ी जिम्मेदारी लेने के बाद अपनों से बड़ों का आशीर्वाद पाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाला है और पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर के बाद परिजनों के पैर भी छुए और इस तरह से अब 30वें सेना प्रमुख के तौर पर आज से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे से कल भारतीय सेना के 30वें सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। पदभार संभालने के बाद आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी को पारंपरिक तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल द्विवेदी ऐसे समय में सेना प्रमुख बने हैं जब भारत चीन के साथ LAC समेत कई सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। उत्तरी सेना के कमांडर के रूप में लंबे कार्यकाल की वजह से उनके पास चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर ऑपरेशंस का व्यापक अनुभव है। इस मौके पर सेना प्रमुख ने देश को यकीन दिलाया कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज भारतीय थल सेना आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर है। इस दिशा में आत्मनिर्भरता को पूर्णता हासिल करने के लिए भारत सेना हमेशा तैयार। इसके लिए इंडिजिनस इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करेगी और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वॉर सिस्टम और इक्विपमेंट को शामिल करेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के संपूर्ण समन्वय से यानी सिनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के फुल स्पेक्ट्रम में ऑपरेशंस के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे भारत के राष्ट्रहितों को सुरक्षित किया जा सकेगा। इससे पहले सेना प्रमुख राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी गए जहां उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सैन्य अधिकारी के साथ उनके परिजन भी रहे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी उप सेना प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं। करीब 40 साल के अपने लंबे और असाधारण करियर में वो कई पदों पर रहे हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नए सेना प्रमुख बनने के साथ ही भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो सहपाठी नौसेना और थलसेना की कमान संभाल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को थलसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला जबकि एडमिरल दिनेश त्रिपाठी 30 अप्रैल से नौसेना के प्रमुख हैं। दोनों ने मध्य प्रदेश के रीवा के सैनिक स्कूल में पढ़ाई की। द्विवेदी और त्रिपाठी के बीच स्कूल के दिनों से गहरी दोस्ती रही है और अब दोनों दोस्त वायुसेना प्रमुख के साथ मिलकर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।